ओम शांति। 18 जनवरी 1994 की भविष्यवाणी कंटिन्यू करते हैं। बाप दादा की मुलाकात का टाइटल है, एक बल एक भरोसे द्वारा सदा एक रस स्थिति का अनुभव करो। सभी एक बल एक भरोसे का अनुभव करते हो? करते हैं सभी? कहे हाँ जी बाबा। यदि करते हैं तो लगता है कि अभी परसेंटेज में है तो बढ़ाना है, क्योंकि शिव बाबा को ही एक बल एक भरोसा बना लिया तो फिर बाकी जगह तो बुद्धि जाएगी ही नहीं ना। कहीं बुद्धि लटक रही है, माना एक बल एक भरोसा नहीं है। एक बल एक भरोसे वाले की निशानी क्या होगी? एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। तो ऐसे रहते हो कि कभी हलचल कभी अचल? हलचल के समय एक बल एक भरोसा कहेंगे या अनेक बल कहेंगे, अनेक भरोसे कहेंगे? जब एक बाप द्वारा सर्वशक्तियां प्राप्त हो जाती है तो एक बल एक भरोसा चाहिए ना। जब शिव बाबा से सर्व बल भी प्राप्त हो जाता, सर्वशक्तियां भी प्राप्त हो जाती, तो दूसरों के भरोसे क्यों रहे? एक बल अर्थात शिव बाबा का बल और उसी पर भरोसा। एक को भूलते हो तभी हलचल होती है। तो अचल रहने वाले हो ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। यहाँ आपका यादगार कौन सा है? अचल घर है या हलचल घर है? माउंट आबू में अचल घर है ना यादगार, या अचल घर कभी हलचल घर हो जाता है? यादगार तो आपका ही है ना? कहे हाँ जी बाबा। फिर हलचल में क्यों आते हो? प्रैक्टिकल का ही यादगार बना है ना। तो सदा ये याद करो कि एक बल एक भरोसे में रहने वाले है, क्योंकि भक्ति में अनेक के ऊपर भरोसा खतर रख करके अनुभव कर लिया ना, क्या मिला? वो सब कुछ गवा दिया, जो था वो भी गवा दिया। सतयुग का इतना सारा धन कहाँ गवाया? भक्ति में ही तो गवाया ना, सब कुछ गवा लिया। अच्छी तरह से अनुभव कर लिया ना सभी ने। तो जब भी कोई ऐसे हलचल की परिस्थिति आती है तो अपने यादगार अचल घर को याद करो। जब यादगार ही अचल घर है तो मैं कैसे हलचल में आ सकती हूँ? ये तो सहज याद आएगा ना। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। तो अनुभव होता है कि बीच बीच में और कोई संबंध में खींचता है। जब सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव होता है तो दूसरे संबंध में आकर्षण होने की तो बात ही नहीं। फिर दूसरे संबंध में क्यों हो आकर्षण? नहीं है ना अभी दूसरे संबंधों में आकर्षण हाथ ऊपर करे। सर्व संबंध का अनुभव है कि कोई कोई संबंध का अनुभव है? बाबा के साथ में सर्व संबंध का अनुभव किया या कोई कोई संबंध का? बाबा कहते हैं सर्व संबंध से बाप को अपना बनाया है कि कोई संबंध किनारे रख दिया है? सर्व है कि एक दो में अटेंशन जाता है, कोई को कोई का भाई में, कोई का बच्चे में, कोई का पोतरे में, ऐसे तो नहीं है ना। निभाना अलग चीज है, आकर्षित होना अलग चीज है। तो नष्ट मोहा हो, पांडवों को पैसे कमाने में मोह नहीं है, ट्रस्टी होकर कमाना अलग चीज है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना, ये अलग चीज है। कभी धन में मोह जाता है? थोड़ा थोड़ा जाता है, बाबा कंफर्म कर रहे। क्या होगा, कैसे होगा, जमा कर ले, कुछ कर ले, पता नहीं कितने वर्ष के बाद विनाश होता है, 10 वर्ष लगते हैं या 50 वर्ष लगते हैं, ये तो नहीं आता है। आज बाबा अंदर की बातें सबकी बाहर ला रहे हैं, मन में चल रहे होंगे ना संकल्प, तो बाबा उसको सुनाते हैं। बाबा कहते हैं नष्ट मोहा बनकर, ट्रस्टी बनकर के चलना और मोह से चलना, कितना अंतर है। नष्ट मोहा की निशानी क्या होगी? कभी कमाने में, धन संभालने में दुख की लहर नहीं आएगी। कभी कम कभी ज्यादा में दुख की लहर आती है। पोतरा धोतरा थोड़ा बीमार हो गया तो दुख की लहर आती है। नष्ट मोहा है सभी? कुछ भी हो जाए बेफिक्र हो, नष्ट मोहा अर्थात दुख और अशांति का नाम निशान नहीं।
ऐसे हो या बनना है, दुख या अशांति का नाम निशान न होना, ये कहा बाबा ने नष्ट मोह का डेफिनेशन। तो सभी नष्ट मोह है, दुख और अशांति की लहर तो नहीं आती है ना, नाम निशान भी नहीं है ना। बाबा कहते ऐसे हो या बनना है, क्या कहेंगे? तो एक बल एक भरोसा, अर्थात जरा भी दुख की लहर की हलचल नहीं है, जरा भी सूक्ष्म में भी दुख की लहर हलचल में न लाए, ये है एक बल एक भरोसा। खुशी रहे कि मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही बनूंगा, है ना ये खुशी? तो खुशी जैसी तो कोई खुराक ही नहीं। मैं ही कल कल बाबा का बच्चा बना था, हूं और बनूंगा। और सर्व प्राप्तियां, सर्व बल और सर्व भरोसा केवल एक बाप पर ही रखना है और रखता रहूं, ये मेरा पर्सनल अटेंशन हो, पुरुषार्थ हो। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, सेकेंड लिंक 4:45 बजे सुबह में मुरली का, और रात्रि क्लास 18 जनवरी की अव्यक्त वाणी पर आधारित 9:15 बजे। ओम शांति। Thank you.